हेलो एवरीवन, मेरा नाम इरफान और आप देख रहे हैं टेक अनफोल्ड। सो आज की इस वीडियो में हम हिंदवेयर की तरफ से आने वाले इस डिजर्ट कूलर की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका फुल रिव्यू करेंगे। साथ ही मैं आपको इसका प्रोस एंड कॉन्स भी बताऊंगा ताकि आप परफेक्टली डिसाइड कर सके कि आपको ये डिजर्ट कूलर परचेस करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल बता देता हूँ। इसका मॉडल का नाम है हिंदवेयर स्नो क्रिस 85 लीटर। तो मैंने इसे इसके इस बॉक्स से निकाल लिया है। इसमें कुछ इंस्टॉलेशन करने वाली कोई भी चीज़ नहीं होती है, बस आपको इसमें 5 चक्के मिलते हैं। इसे आपको नीचे बस फिक्स करना होता है, बाकी का आप इसे इस्तेमाल डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके बैक साइड में यहाँ पर आपको वाटर इनलेट दिया गया है, आप यहाँ से पानी भर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी आपको वाटर इनलेट मिल जाता है, यहाँ से भी आप पानी भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ओवरफ्लो का होल भी दिया गया है, अगर आप इसमें पानी फुल कर देते हैं तो यहाँ से ओवरफ्लो होकर पानी गिरने लगेगा। और यहाँ पर आपको वाटर लेवल इंडिकेटर मिल जाता है। इसके टॉप पर आपको आइस चेंबर मिल जाता है, हालांकि आइस चेंबर बहुत ही बड़ा नहीं है लेकिन इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है, इसे आपको संभाल कर रखना है। इसमें एक छेद दिया गया है ताकि जब आपका आइस यहाँ से मेल्ट हो तो ये इसके अंदर जा सके। हवा को अप डाउन करने के लिए यहाँ पर आपको एक नोब दिया गया है, ठीक इसी तरह से आपको एक नीचे भी यहाँ पर नोब दिया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक नोब दिया गया है, आप हवा को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक मोटराइज स्विंग भी मिल जाता है। ये जो आप स्विंग देख रहे हैं ये मोटराइज है, यहाँ पर एक मोटर लगी है, इसी से ये स्विंग राइट लेफ्ट होता है। यहाँ पे आपको 3 स्टाइलिश नोब दिए जाते हैं, एक से आप कूल ऑन ऑफ कर सकते हैं, एक से आप स्पीड हाई मीडियम या लो कर सकते हैं, एक से आप स्विंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और ये है इसके बैक साइड का हनीकॉम, इसे आप देख सकते हैं कि ये कितना घना है। और ये है इसके साइड का हनीकॉम और ये है इसका पावर कॉर्ड। अगर हम कॉर्ड की लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ लगभग 1 मीटर है। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसका क्वालिटी भी ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा नहीं बोल सकते हैं लेकिन फिर भी ठीक है। तो चलिए अब हम इसे टेस्टिंग करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भरेंगे। चूँकि मेरे पास फ़िलहाल अभी पाइप नहीं है इसीलिए मैं इसमें पाइप से पानी नहीं भर सकता हूँ, मुझे इसमें पानी भरने के लिए इसे मुझे खोलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 3 स्क्रू दिए गए हैं जिसे आप अपने हाथों से ही आसानी से खोल सकते हैं, बस आपको इसे इस तरह से घुमाना है, ये खुल जाएगा। आप चाहें तो इसे खोल कर अपने हनीकॉम पैड को चेंज कर सकते हैं या साफ़ सफाई का काम भी कर सकते हैं। आप इसके हनीकॉम के थिकनेस को भी देख सकते हैं। ये है इसका मोटर और ये है इसका फैन ब्लेड और ऊपर में यहाँ से पानी गिरने के लिए दिया गया है। यह है इसका हनीकॉम और नीचे यहाँ पर एक मोटर दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं। इसी मोटर के ज़रिए पानी ऊपर जाता है और यहाँ से वापस नीचे आता है। तो मैंने इसके पावर कॉर्ड को सॉकेट में लगा दिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पानी कितना गिरता है और कैसा गिरता है। पानी गिरना शुरू हो गया है। कूलर को ऑन मैंने कर दिया है, साइड का हनीकॉम भी यहाँ पर भीग चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी धीरे धीरे गिर रहा है और इसके बैक वाले हनीकॉम में आप देख सकते हैं कि ये भी पूरी तरह से भीग चुका है और इसमें भी पानी गिर रहा है। चलिए मैं आपको इसका स्विंग दिखाता हूँ। चलिए हम इसके स्विंग को ऑन करते हैं तो अब ये स्विंग होना शुरू हो गया है, आप इसके स्विंग को भी देख सकते हैं। अगर हम नॉइज़ की बात करें तो चूंकि इसका फ़ैन स्पीड काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत नॉइज़ देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कूलर से लगभग 10 फीट की दूरी पर हूँ और मैंने इसके फ़ैन स्पीड को बिल्कुल हाई पर कर रखा है। अगर हम एयर थ्रो की बात करें तो आप एयर थ्रो को अभी भी महसूस कर पा रहे होंगे। एयर थ्रो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दूर तक आपको हवा महसूस होती है। और अगर हम कूलिंग की बात करें तो कूलिंग इसका बिल्कुल ठीक है, एक कूलर जितना ठंडा करना चाहिए उतना ठंडा बिल्कुल ये कर रहा है। इससे ज़्यादा ठंडा आप किसी भी कूलर से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसका हाइट लगभग 110 सेंटीमीटर का है और वज़न में लगभग 15 केजी का है। पावर कंजप्शन की बात करें तो 200 वाट का ये पावर कंजप्शन करता है। कंपनी ये क्लेम करती है कि ये 450 स्क्वायर फीट एरिया को कूलिंग कर सकता है और ये लगभग 400 फीट तक एयर थ्रो कर सकता है। 4-way एयर डिफ्लेक्शन आपको इसमें मिलता है। मोटर की स्पीड 1350 RPM की है और इसके फैन ब्लेड का जो डायमीटर है
वो 41 सेंटीमीटर का है, यानी कि 41 सेंटीमीटर का इसका फैन ब्लेड का डायमीटर है। तो चलिए अब मैं आपको इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बताता हूँ। अगर हम कॉन्स की बात करें तो इसमें आपको कोई भी ऑटोमेटिक वाटर इनलेट नहीं दिया जाता है, आपको मैन्युअली ही इसमें पानी भरना होगा। मेरे हिसाब से इसका कॉर्ड जो है थोड़ा शॉर्ट है, और भी लंबा हो सकता था। हालांकि सभी कूलर में आपको पावर कॉर्ड इतना ही लंबा दिया जाता है। इसमें वाटर ड्रेनेज मुझे काफ़ी फास्ट लगा, इसमें पानी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। हालांकि इसमें आपको 85 लीटर का वाटर कैपेसिटी भी दिया जाता है। इसकी नॉइस थोड़ी मुझे ज़्यादा लगी, हालांकि इसकी फ़ैन स्पीड काफ़ी ज़्यादा है इसीलिए इसमें मुझे नॉइस ज़्यादा लग रहा है। हनीकॉम का डेंसिटी थोड़ा कम है, हनीकॉम की डेंसिटी थोड़ी और होती तो आपको कूलिंग और भी ज़्यादा मिल सकता था। अगर हम प्रोस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा प्रोस ये है कि आपको इस प्राइस रेंज में किसी भी दूसरे ब्रांड में इससे अच्छा एयर कूलर नहीं मिल सकता है। एयर थ्रो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दूर तक आपको एयर इसका महसूस होता है। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मटेरियल की बनी हुई है। कूलिंग भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही जल्दी ये आपको कूलिंग देने लगता है। वाटर लेवल इंडिकेटर बिल्कुल इसका बेस में दिया हुआ है ताकि आप इसका पूरा पानी इस्तेमाल कर सकें। इसमें आपको 4 नहीं 5 कैस्टर व्हील्स दिए जाते हैं जिसे आप आसानी से अपने कूलर को किसी भी जगह पर मूव करके ले जा सकते हैं। अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस फ्लिपकार्ट पर नॉर्मली 9,000 रुपये रहता है, लेकिन ये ऑफ़र के समय आपको काफ़ी कम में मिल जाता है। मैंने इसे कार्ड ऑफ़र लगाकर 8,000 रुपये में परचेस किया है। सो अगर आप इस कूलर को परचेस करना चाहते हैं तो मैंने इसका परचेस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो डायरेक्ट इसे वहाँ से ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं।